मित्र जी बैठिए ना जी। हवा आ रही है। हाँ। नमस्कार जी। जी नमस्कार, बैठिए। कार्तिक जी दिखाई नहीं दे रहे। कार्तिक बस आता ही होगा, स्टूडियो गया है जरूरी रिकॉर्डिंग के लिए। और वैसे भी आज हमको एक रस्म निभानी है। कौन सा आपने कार्तिक को देखना है, हम सब मिलकर बस रिश्ता तय कर देंगे आज। बिल्कुल बिल्कुल। अरे लो मंगल भी आ गई। मौसी जी नमस्ते। खुश रहो बेटा। क्या हुआ मंगल, परेशान लग रही हो तुम? नहीं गायत्री, मंगल क्यों परेशान होगी? मंगल तो आज खुश है, उसकी बहन का रिश्ता जो होने जा रहा है। वैसे हमारे लिए भी अच्छा है गायत्री, लड़की भी देखी पहचानी है और खानदान भी जाना पहचाना है। मंगल तैयार है ना? हाँ हाँ तैयार है। अपनी बिटिया को मैंने खुद तैयार किया है। अभी लेकर आती हूँ। मंगल बेटा फैन तेज करना, बहुत गर्मी हो रही है। जी बैठिए, मैं एक मिनट आता हूँ। हाँ ठीक है। कमाल है ना गायत्री, इतने सालों में पहली बार आज समधन जी ने लक्ष्मी को बेटी कह के बुलाया। चल जल्दी चल, सब बुला रहे हैं तुझे। जब तेरा ये राजकुमारी सा चेहरा देखेंगे ना तो उस मनोज लक्ष्मी के बारे में सोचेंगे भी नहीं। चल आ जा। पर ये लक्ष्मी नहीं आई अभी तक। इसके लिए रिश्ता लेके आए और ये ऐसे बैठी है। हाँ? कोई देखेगा तो कहेगा काम वाली लड़की है। मम्मी ये मैडम इतनी तैयार होके कहाँ जा रही है? और लक्ष्मी किचन में पसीने बहाते हुए नाश्ता क्यों बना रही है? जिसकी जगह जहाँ होनी चाहिए वो वही होगा ना। लिपिका को देखने आया है तो क्या बिना तैयार हुए आ जाएगी? लिपिका क्या क्या कह रही हैं? लिपिका को कोई देखने नहीं आया है। मम्मी लक्ष्मी के लिए रिश्ता आया है। हे भगवान, ये मंगल ये क्या कह रही है तू? कार्तिक के लिए लिपिका की बात नहीं की क्या तूने? मम्मी बंद करिए नाटक। आप अच्छे से जानती हैं मैंने लक्ष्मी की ही बात की थी, लिपिका का तो नाम तक नहीं लिया मैंने। क्यों? लक्ष्मी तेरी बहन है, लिपिका नहीं। अरे तूने ही कहा था कि कार्तिक का रिश्ता मेरी बहन से होगा। नहीं नहीं मम्मी, मुझे अच्छे से याद है मैंने लक्ष्मी का ही नाम लिया था। आपको समझने में कोई भूल हुई है? भूल कैसे होगी मंगल, कहाँ कार्तिक और कहाँ लक्ष्मी। इतना बड़ा स्टार अब क्या अनपढ़ अनाथ बदसूरत लड़की से शादी करेगा? मम्मी गलती समझने में मुझे नहीं तुझे हुई है मंगल। तूने मेरे से कहा था कि मंगल की बहन को तैयार रखना, तो मंगल की बहन तैयार है। लक्ष्मी ये क्या है, तुम तैयार क्यों नहीं हुई अब तक? तुम तो ऐसे घूम रही हो जैसे हम लोग ऐसे ही उठ के चले आए हैं। आज खास दिन है लक्ष्मी, जाओ जाकर तैयार हो के आओ। क्या हुआ है सबको, मेरे तैयार होने के पीछे क्यों पड़े हैं? चल लिपिका सब तुझे बुला रहे हैं। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। जानती हो सब जानकर किया है आपने, बनाई है ना आपने, उसे यहीं सुलझाइए। मम्मी अब आप मेरी बात सुनिए, लिपिका को उनके सामने ले जाकर माहौल मत बनाइए अपना। क्या सोचेंगे वो लोग? कि लक्ष्मी के साथ उसके खुद के घर वालों ने धोखा किया है। देख मंगल, किसका मखौल उड़ेगा और किसकी हवाइयाँ, अब वहाँ चलकर देख ही लेते, तू भी और हम भी। चल हट, तू मेरी माँ ना है, मैं तेरी माँ हूँ। सॉरी आंटी, वो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया, किचन में थी ना। किचन में थी, नहीं घर के बाकी लोग क्या कर रहे हैं? हम यहाँ हैं। लो आ गई आपकी होने वाली बहू। आओ आओ बेटा। मंगल, क्या कह रही है ये क्या मजाक है? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है, और तुम लोगों ने अभी तक लक्ष्मी को रेडी क्यों नहीं किया? अम्मा, मम्मी को शायद गलतफहमी हुई है, लक्ष्मी की जगह। ऐसी कोई बात नहीं है समदन जी, आप लड़की देखने आए हो, इतना तो उसे सजना संवरना ही चाहिए ना। मंगल, तुम कुछ बोलोगी? बस, तुम्हारा समय खत्म हुआ, दे दो हमें। तूने हिंदी में लिखा है? मम्मी, मैं पास हो जाऊंगी। तो फैसला हो चुका है, तुम्हारी होने वाली बहू को कंगन पहना दे। जी। तुमने शरबत बनाने की विधि बिल्कुल सही लिखी है लिपिका, लेकिन